रितिका बाजार से सब्जी लेने जाती है, तभी उसकी नजर ठेले वाले पर जाती है जो कि पाव भाजी बेच रही थी। रितिका पाव भाजी वाली के पास जाती है और सोचती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस औरत को कहीं देखा है, पर कहां देखा है यही याद नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, जाकर डायरेक्ट पूछ ही लेती हूँ। रितिका पाव भाजी के ठेले के पास पहुँच जाती है और पाव भाजी वाले से बोलती है, अच्छा बहन जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए ना, क्या पूछना चाहती हो आप? दरअसल मैं आपको कहीं देख चुकी हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है आपको। दरअसल वो पाव भाजी वाली रितिका की नई पड़ोसन थी, जिसका नाम पूजा था। मैं तो अभी नई नई सीमा कॉलोनी में शिफ्ट हुई हूँ, मकान नंबर 202 के सामने ही मेरा घर है। अरे फिर तो आप मेरी पड़ोसन है, मकान नंबर 202 मेरा ही है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे ठेले पर खुद मेरी पड़ोसन चल कर आई है। रितिका काफी देर तक पूजा से बातचीत करती रही, तभी पूजा रितिका को फ्री में पाव भाजी खाने को दे देती है। पाव भाजी देखकर रितिका बहुत खुश होती है और वो पूजा से कहती है, आपके हाथ के पाव भाजी तो बहुत टेस्टी है, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मेरी पूरी फैमिली के लिए आप पाव भाजी पैक कर सकती हो क्या? मैं उनको भी आपके हाथ की पाव भाजी खिलाना चाहती हूँ, इतना टेस्टी पाव भाजी तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। अरे बहन जी क्यों नहीं, मैं अभी पैक कर देती हूँ आपकी पूरी फैमिली के लिए पाव भाजी। और वैसे भी अब तो हम पड़ोस में ही रहते हैं, रोज रोज पाव भाजी खाना और बातचीत करना ये सब तो चलता ही रहेगा। हाँ क्यों नहीं, कभी आऊंगी आपके घर चाय पीने के लिए। फिलहाल तो आप जल्दी से पाव भाजी पैक कर दीजिए, मुझे घर भी जाना है ना। पूजा बहुत ही भोली थी, इसलिए अपनी पड़ोसन के साथ व्यवहार बनाने के लिए रितिका के घर वालों के लिए भी फ्री की पाव भाजी पैक कर देती है। और रितिका खुशी खुशी घर आ जाती है और अपनी सास विमला को सारी बात बताने लगती है। देखो सासू माँ, मैं फ्री में इतनी सारी पाव भाजी लेकर आई हूँ। आपको पता है हमारी जो सामने वाली पड़ोसन है ना, वो भी हाल फिलहाल में ही यहीं शिफ्ट हुई है और वो पाव भाजी बेचने का काम करती है। बड़ी ही टेस्टी पाव भाजी बनाती है वो। वो सब तो ठीक है, पर इतना सारा पाव भाजी खरीदने की आखिर जरूरत क्या थी? सासू माँ आपको क्या लगता है कि मैं इतना सारा पाव भाजी खरीदने वाली हूँ? अरे ये सब कुछ मैं फ्री में लेकर आई हूँ, अब तो रोज रोज उसके पास फ्री में पाव भाजी खाने जाया करूँगी मैं। अरे बहू तू पागल है क्या, तुझे पता है ना मुफ्त की चीजें बिल्कुल भी सही नहीं होती है, कब जाके तुझे फ्री की पाव भाजी खाना महंगा पड़ जाए तुझे पता ही नहीं चलेगा। अरे सासू माँ आप इतना क्यों सोचती हो, वैसे भी आजकल तो दुनिया फ्री के चक्कर में पड़ी हुई है, फिर मैं कोई अनोखी लड़की थोड़ी ना हूँ। वैसे भी जब दिल्ली सरकार ने फ्री बस की सुविधा कर रखी है तो फ्री में पाव भाजी क्यों नहीं खा सकती हूँ मैं। बस बस तुझसे ना बहस करना ही बेकार है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन फिर से रितिका पूजा के ठेले के पास जाती है और फिर बातों ही बातों में पूजा से फ्री की पाव भाजी खाकर अपने पूरे घर वालों के लिए पाव भाजी पैक करवा कर घर वापस आ जाती है। ये सब क्या है रितिका बहू, अरे पूजा भी तो पाव भाजी बेचने का काम करती है ना, तो तू क्यों फ्री के पाव भाजी ले आती है? अरे मुफ्त की चीज खाने में तुझे शर्म नहीं आती है क्या? ये उसकी रोजी रोटी है, कम से कम पाव भाजी खाने के पैसे तो दे दिया कर उसे। अरे सासू माँ मैंने उसे अपनी फ्रेंड बना लिया है और वो मुझे खुद अपने आप फ्री में पाव भाजी देती है। मैं जैसे ही उसके ठेले पर जाती हूँ ना, वो समझ जाती है कि मुझे पाव भाजी खानी है और वो तुरंत मेरे लिए एक प्लेट पाव भाजी रेडी करके रख देती है। अरे कभी तो शर्म कर, तेरी आँखों में पानी नहीं है क्या? वो बेचारी दिन रात पाव भाजी बेचकर अपना घर चला रही है और एक तू है कि फ्री में पाव भाजी खाकर आ जाती है। ये सब अच्छी आदत नहीं है रितिका बहू, अपने आप को सुधारने की कोशिश कर। अरे रहने दो सासू माँ, अब मैं ना अकेले ही ना फ्री में पाव भाजी खाकर आ जाया करूँगी और आप लोगों के लिए पाव भाजी लाना बंद ही कर देती हूँ। एक तो फ्री का पाव भाजी खाते ही हो और ऊपर से मुझे भी सुनाने लगते हो। ठीक है, तुझे अगर फ्री के पाव भाजी खाने का इतना ही शौक है तो तू अकेले ही खा, कल से ना सबके लिए पाव भाजी लाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे अब रितिका की आदत दिन प्रतिदिन खराब होती जाती है। रितिका रोज रोज पूजा से मुफ्त की पाव भाजी खाया करती और इस आदत से पूजा भी अब परेशान हो चुकी थी। एक दिन पूजा अपने पति अरुण से पैसों का हिसाब किताब कर रही थी, तभी अरुण पूजा से कहता है, अरे पूजा जिस हिसाब से हमारा फायदा होना चाहिए था उस हिसाब से हमारी कमाई हो ही नहीं पा रही है, ऐसा क्या हो रहा है? आखिर ऐसे कितने लोग हैं जिनको तुम उधार में खिलाती हो? अब क्या बताऊँ मैं तुम्हें, सामने वाली जो पड़ोसन है ना रितिका, वो रोज रोज मुंह उठाकर फ्री में पाव भाजी खाने के लिए आ जाती है। एक तो इतनी बेशरम औरत है कि अपनी मर्जी से 10 रुपए देना भी जरूरी नहीं समझती, कभी कभी तो दिल करता है कि अपने ठेले पर से उसे भगा दूं
लेकिन फिर ये सोचती हूँ कि अपने कस्टमर का अपमान नहीं करना चाहिए। देखो पूजा, ये दुनिया ना सीधे लोगों का फायदा उठाती है। अगर वो बेशरम है तो तुम भी बेशरम बन जाओ। और एक काम करो, जितना कुछ उसने खाया ना आज तक, उसका एक हिसाब किताब बनाओ और देखो कितना पैसा हो रहा है, और उसके घर जाकर वो पैसा मांगो। और ना देना तो फिर हम बात आगे बढ़ाएंगे। अरे नहीं, अभी ये सब करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है, अगर ये करने के बावजूद रितिका को समझ में नहीं आता तब जाकर मैं उसके घर पर पैसे मांगूंगी। ऐसे अगले दिन पूजन अपने ठेले के बाहर एक बोर्ड लगा दिया था जिस पर लिखा था, मुफ्त में पाव भाजी खाना बंद करें। तभी रितिका सामने से आ रही थी। रितिका ने बोर्ड पर लिखा हुआ टेक्स्ट तो पढ़ लिया था, लेकिन टेक्स्ट पढ़कर भी उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। फिर से पूजा के पास वो फ्री की पाव भाजी खाने के लिए चले जाती है। पूजा भी इस बार उसे पेट भर के पाव भाजी खिलाती है। ऐसे ही शाम को पूजा एक लंबी छोड़ी लिस्ट लेकर रितिका के घर जाती है और ये लिस्ट थमाते हुए उसे कहती है, रितिका भाभी, देखते ही देखते 3 महीने निकल गए हैं, लेकिन अभी तक आपने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं किए हैं। कौन से पैसे? किस बात के पैसे ले रही हो तुम? मैंने तो तुमसे आज तक कोई पैसे नहीं लिए, फिर अचानक से ये सब क्या है? पूजा की आवाज़ सुनकर ऋतिक की सास और ऋतिक का पति राहुल भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी पूजा सबके सामने कहती है, भाभी, मैं पाव भाजी की उधारी की बात कर रही हूँ। रोज रोज आप मेरे ठेले पर से पाव भाजी खाकर जाती हो, उसके पैसे मांग रही हूँ मैं। टोटल 3,000 का बिल बना है आपका, तो ये बताइए 3,000 कब दे रही हैं आप मुझे? अरे पर वो पाव भाजी तो तुम मुझे फ्री में खिलाती थी ना, क्योंकि मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ इसलिए। अरे भाभी, मैं गरीब औरत हूँ और अपना पेट पालने के लिए पाव भाजी बेचती हूँ। अगर मैं ऐसे ही सबसे रिश्तेदारी निभाते रहूँगी तो कैसे अपना घर परिवार चला पाऊंगी? वैसे भी कल मैंने अपने ठेले पर एक बोर्ड लगाया था, इस पर लिखा था कि मुफ्त में पाव भाजी खाना बंद करो, लेकिन ये बोर्ड देखकर भी आपने इग्नोर कर दिया और फिर से फ्री में पाव भाजी खाने के लिए मेरे ठेले पर आ गई। तू बिल्कुल सही कह रही है पूजा, मैं अपनी बहू को समझा कर थक गई हूँ, लेकिन इसे तो मेरी बात समझ ही नहीं आती है। अब पता चला रितिका बहू, मुफ्त की चीजें अक्सर इंसान को नुकसान ही पहुँचाती है। चल अब अपनी जेब से 3,000 निकाल के पूजा को दे दे। बेचारी रितिका का मुंह बन जाता है, उसे मजबूरन अपने बटवे से 3,000 रुपए निकाल कर पूजा को देने ही पड़ते हैं। पूजा अपने पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद रितिका समझ जाती है कि फ्री की चीज ज्यादा दिन तक नहीं टिकती और मुफ्त में पाई चीज अक्सर इंसान को नुकसान ही पहुँचाती है। ममता की बहू रिया सावली होने के साथ अपने साथ दहेज में 1 रुपया नहीं लाती तो क्या? वो अपने साथ अच्छी किस्मत लाई जिससे उसकी सास उसे अपना लेती है, या फिर ममता को दहेज में पैसे वाली बहू चाहिए थी जिसकी वजह से ममता अपनी बहू के साथ क्या करने वाली थी? चलिए जानते हैं इस कहानी में। रिया की शादी को 5 दिन हुए हैं और इन 5 दिनों में ही ममता अपनी बहू रिया को कई ताने दे चुकी थी, क्योंकि रिया का रंग थोड़ा सांवला था और तो और उसके घर वालों ने कोई दहेज भी नहीं दिया था। ऐसे में ममता कोई मौका नहीं छोड़ती थी रिया को ताने देने का। एक रोज सुबह 5 बजे ही ममता अपनी बहू के कमरे का दरवाजा पीटते हुए रिया से कहती है, बहू उठी नहीं तू अभी तक? ये तेरा ससुराल है, तेरे बाप का घर नहीं जो अब तक सोई हुई है। तभी रिया अपनी सास की आवाज सुनकर अपने कमरे से निकल कर आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं आ ही रही थी। हाँ हाँ मुझे पता है, चल अब जाकर खाना बना। रिया अपनी सास के कहने पर खाना बना रही होती है कि तभी कुछ समय बाद ममता को एक कॉल आता है जो लड़के वालों का कॉल था, ममता की बेटी रूहानी के लिए जिसका रिश्ता करीब 2 सालों से हो नहीं रहा था। और ये सुनकर ममता खुशी से अपने बेटे रोहित से कहती है, रोहित अपनी रूहानी का रिश्ता पक्का हो गया, लड़के वाले मान गए हैं, उन्हें लड़की पसंद है। ये बहुत अच्छी बात है माँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, अपनी छोटी की शादी है। पास में बैठी रूहानी भी अपनी माँ से कहती है, माँ भाभी के आने से अपने घर में कई खुशखबरी आई है। भले ही भाभी दहेज में कुछ भी न लाई हो, लेकिन वो अपने साथ दहेज में किस्मत बड़ी भाग्यशाली लाई है। वो क्यों किस्मत लाएगी साथ? उसके आने से नहीं हुआ है ये सब, ये तो हमारे अच्छे कर्मों का फल है। माँ मुझे भी लगता है कि रिया अपने साथ में दहेज में किस्मत लेकर आई है। जब इसका चेहरा ही इतना काला है तो उसकी किस्मत कौन सी अच्छी होगी? जैसी शक्ल वैसी किस्मत। माँ अगर भाभी की जगह मैं होती तो भी क्या आप ऐसे ही बोलती? ऐसे कैसे हो जाती तू सांवली या फिर काली, उसकी तो पैदाइश ही ऐसी है। घर वालों का ये मानना था कि रिया की किस्मत अच्छी है,
उसके आने से बहुत सी चीजें अच्छी हुई हैं, लेकिन ममता ऐसा नहीं मानती थी। देर शाम जैसे ही रोहित ऑफिस से घर आता है, वैसे ही वो सबसे पहले रिया को मिठाई खिलाते हुए कहता है, रिया अब तो मानना ही पड़ेगा कि वाकई तुम दहेज में अपने साथ भाग्यशाली किस्मत लेके आई हो। पहले बताओ तो किस खुशी में मिठाई खिला रहे हो? मेरा प्रमोशन हो गया है। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। भैया हमारे साथ भी खुशियाँ बांट लो। हाँ क्यों नहीं, माँ ये आप खाओ और ये तेरा छोटी। ममता को तो इस बात का बहुत बुरा लगता है कि रोहित पहले रिया को मिठाई खिला देता है, उसे नहीं। जिस पर ममता रोहित से कहती है, जा जाकर अपनी बीवी को ही खिला और उसके ही गुनगा। माँ खुशी के मौके पे क्या लेकर बैठ जाती हो? ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, कोई किसी की किस्मत का नहीं खाता। और इसकी किस्मत से तो कुछ भी होने वाले भी हो तो पहले ही कुछ अशुभ हो जाए। माँ हमने ये थोड़ी ही कहा था कि हम भाभी की किस्मत से जी रहे हैं। हमारे कहने का मतलब था कि उनकी किस्मत अच्छी है और उनका इस घर में आना शुभ है। ये बातें चल ही रही होती हैं, तभी ममता से मिलने कांता आती है, जो कि ममता की पड़ोसन है। और वो रोहित के हाथों में मिठाई का डब्बा लिए देखकर रोहित से कहती है, किस खुशी में मिठाई खिला रहा है? इसका प्रमोशन हुआ है इसकी मेहनत से, और ये कह रहा है इसकी बीवी की वजह से इसका प्रमोशन हुआ है, क्योंकि वो दहेज में कुछ नहीं लाई लेकिन किस्मत जरूर लाई है। हाँ सही तो कह रहा है रोहित, तेरी बहू दहेज में कुछ लाए या ना लाए किस्मत तो जरूर लाई है, तभी तो तेरी बेटी का रिश्ता भी पक्का हो गया है और अब रोहित का प्रमोशन भी हो गया है, तो किस्मत तो तेरी बहू की वाकई में अच्छी है। तू भी इनके साथ शामिल हो गई? मैं तो सच ही कह रही हूँ जो मुझे दिखा, वरना इतने सालों में तो मैंने कुछ अच्छा नहीं सुना तेरे घर के बारे में। अगले दिन ममता आंगन में बैठी होती है, तभी रिया को पोछा लगाता हुआ देखकर ममता अपनी बहू को ताने मारते हुए कहती है, मेरे घर वाले तो पागल हो गए हैं, ना जाने किस्मत किस्मत लेकर बैठे हैं, इनके बाप ने दहेज तो दिया नहीं, किस्मत कहाँ से देंगे। ममता वहाँ से उठकर गेट के बाहर ही जा रही होती है कि तभी रिया अपनी सास से कहती है, माँ जी आप अपने कमरे में चले जाइए क्योंकि वहाँ मैंने पोछा लगा दिया है। हाँ हाँ अब तो कुछ समय बाद ही मुझ पर भी हुक्म चलाने लगेगी। जैसे ही ममता अपने कमरे में जाने लगती है, वैसे ही वो बाहर शोर सुनती है कि किसी ने कांता की चैन छीन ली है। ये सुनकर ममता हैरान रह जाती है, क्योंकि कांता तो ममता के घर आ रही थी, लेकिन उससे पहले ममता दरवाजे पर बैठने जा रही होती है। ऐसे में ममता अपनी चैन को देखकर कहती है, आज तो जान बच गई, नहीं तो कांता की जगह मेरी चैन जाती। क्या सच में मेरी बहू अपने दहेज में किस्मत लाई है? उसके कहने पर ही मैं कमरे में गई, नहीं तो घर से बाहर जा रही थी। ममता ये सोच ही रही होती है कि तभी कांता रोते हुए ममता के पास आती है और उससे कहती है, ममता देख मैं तेरे घर के पास ही आ रही थी, लेकिन दो बाइक पर चोर आए और उन्होंने मेरी सोने की चेन गले से खींच ली। सुनी मैंने तेरी सारी बातें, अगर आज तू नहीं जाती तो मैं भी बाहर जा रही थी, लेकिन बहू ने कहा कमरे में चले जाओ और मैं कमरे में चली गई। और तू कहती है कि तेरी बहू की किस्मत बहुत बुरी है, वो तो अपने साथ दहेज में वाकई खुशियाँ लेकर आई है, तू मान या ना मान, लेकिन मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ममता अब क्या करूँ मैं? रोने धोने से कुछ नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया, सोच तेरी जान तो बच गई ना। अब जैसे ही ये बात रोहित और रूहानी को पता चलती है, वो भी रिया की किस्मत का होना बता रहे थे कि वाकई रिया की किस्मत इतनी अच्छी है, लेकिन ममता तो अब भी उसकी किस्मत को कोसी रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी लगता है कि ये रिया की वजह से ही हुआ है, अगर वो नहीं टोकती तो शायद कांता की जगह ममता बाहर होती और उन चोरों की शिकार हो जाती। अगली सुबह सारा काम हो जाने के बाद ममता अपनी बहू रिया से कहती है, बहू तेरा काम हो गया हो तो जाकर मार्केट से सब्जी लेकर आ। माँ जी वो थोड़े कपड़े धोने हैं, वो कर लेती हूँ उसके बाद ही जाऊँगी। आकर घर का काम हो जाएगा, तू पहले बाहर का काम निपटा ले। रिया अपनी सास की बात ना मानकर कपड़े धोने में बिजी हो जाती है, और कुछ समय बाद ममता सीढ़ियों से उतरते हुए एक बार फिर रिया से कहती है, बहू तुझे मैंने कहा ना कि जाकर मार्केट से सब्जियां ले आ, शाम हो जाएगी। बस माँ जी कपड़े छत पर डाल दूँ फिर मेरा काम हो जाएगा। ये कहकर रिया छत पर जा ही रही होती है और ममता नीचे आ रही थी,
तभी ममता कांता की आवाज सुनकर जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरने की कोशिश करने लगती है और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी रिया अपनी सास को लड़खड़ाते हुए देखकर उनका हाथ पकड़ लेती है और रिया अपनी सास को बचा लेती है। दूसरी तरफ से कांता भी घर आती है तो ममता को देखकर कहती है, ध्यान से ममता। ये देखकर ममता कि वो गिरने से बच गई और उसकी जान रिया ने बचाई है, वो हैरान रह जाती है और उसे समझ आ जाता है कि अगर अभी रिया घर पर नहीं होती तो वो सीढ़ियों से ही गिर चुकी होती। और अब दोनों ही नीचे आते हैं और कांता ममता से कहती है, देखा तूने, मैंने कहा था ना कि तेरी बहू दहेज में कुछ लाई हो या ना लाई हो, लेकिन अपने दहेज में इतनी अच्छी किस्मत लाई है। हाँ, आज मैं मान गई कि मेरी बहू ने दहेज के सामानों से मेरे घर को नहीं भरा, लेकिन उसकी अच्छी किस्मत से इस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। इस तरह ममता को एहसास होता है कि उसकी बहू दहेज में किस्मत लाई है और उसके आने से उसके घर में सिर्फ खुशियाँ ही आई हैं। प्रमोद अपने बेटे सूरज और अपनी बीवी ममता से बोलता है, हमें घर मिल गया है, वहाँ के लोग भी मुझे ठीक ही लगे और घर भी ठीक ही है और किराया भी कम ही था, इसलिए मुझे ठीक लगा तो मैंने हाँ कर दिया। हम वहाँ आज शिफ्ट हो सकते हैं। चलो, एक काम तो अच्छा हुआ कि हमें घर मिल गया, वरना दो दिन से हम यहाँ सड़क पे रह रहे थे। मुझे माफ करना, मुझे पहले ही शहर आकर देख लेना चाहिए था। अगर मैं पहले ही ये सब पता कर लेता तो तुम दोनों को परेशानी नहीं उठानी पड़ती। मुझे माफ कर देना। पापा, आप माफी क्यों मांग रहे हो? आपने तो हमारा ही भला सोचकर शहर आने का सोचा, और वैसे भी सबसे बड़ी परेशानी तो घर की थी, वो तो मिल ही गया ना, अब तो सब ठीक हो ही जाएगा। हाँ, सूरज ठीक कह रहा है। अच्छा, जरा ये बताओ घर कैसा है, मतलब ठीक तो है ना? हाँ, घर तो ठीक ही है, हर जगह इतना किराया था इसलिए मैंने बस एक कमरा ही लिया है, और वैसे भी हमारा घर तो बन ही रहा है ना, जैसे ही घर पूरा बन जाएगा हम वहाँ चले जाएंगे, ठीक है ना? क्या, बस एक कमरा? तो मैं खाना कहाँ बनाऊंगी? खाना बनाने के लिए तो रसोई होनी चाहिए ना। ममता, जरा बात को समझो, गांव से हमें अचानक बस इसीलिए आना पड़ा क्योंकि हमारा घर बन रहा था और वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बन रहा था, वरना तो हम घर बनने के बाद ही आते, है ना? हाँ माँ, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें कौन सा वहाँ हमेशा के लिए रहना है, थोड़े दिन एडजस्ट कर लेंगे, घर बनाना जरूरी है ना, बस वो बन जाए फिर परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं खाना कहाँ बनाऊंगी? उन्होंने घर दिया है किराए पर, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो हमें किराए पर रसोई भी देंगे। आप भी ना बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कर लेते हो। ये घर हमारे घर के सबसे ज्यादा पास है इसलिए मुझे ठीक लगा, और वैसे भी जिनसे मैंने कमरा किराए पर लिया है वो भी वही रहते हैं, नीचे उनका घर है, ऊपर वाला कमरा हमारा है, वहाँ कोई रसोई थी ही नहीं, इसलिए मैं क्या करता, बिना रसोई के ही मैंने कमरा ले लिया। माँ मेरी बात तो सुनो, कमरा तो है हमारे पास, तो आप कमरे में ही खाना बना लेना। दोनों बाप बेटे एक से बढ़कर एक हैं, जब कमरे में खाना बनेगा तो दोनों भागोगे कमरे से। ममता की बात तो सुन लेते हैं दोनों, लेकिन उसकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करती हैं और वहाँ पर रहने चले जाते हैं। दो दिन तो ममता कमरे में ही खाना बनाती है, लेकिन जब सूरज और प्रमोद को कमरे में खाना बनाने से परेशानी होती है तो वो भी ममता की बात को समझते हैं। सबकी परेशानी देखकर ममता घर की मकान मालकिन सुनीता के पास जाती है और उनसे बोलती है, बहन जी आपसे एक मदद चाहिए थी। बोलो, अब क्या मदद चाहिए? देखिए, उस एक कमरे में रहना और खाना बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, अगर आप हमें अपनी रसोई भी किराए पर दे देती तो बहुत अच्छा हो जाता। आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? मुझे तो पहले ही पता था ये सब होना ही है, इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था तुम्हारे पति को कि ना ले ये कमरा, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी, अब भुगतो। और हाँ, मैं अपनी रसोई किराए पर नहीं दूंगी। बहन जी, हमें किसी भी चीज में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन रसोई नहीं है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप हमें अपनी रसोई किराए पर दे देंगी तो हमारी भी परेशानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इतना बोल रही हो तो किराए पर दे देती हूँ रसोई, लेकिन रसोई में गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, अगर थोड़ी भी गंदगी दिखाई देती है तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सुनीता ममता की बात को मान लेती है और अपनी रसोई ममता को किराए पर दे देती है। अगले दिन सुबह सुबह ममता रसोई का सारा सामान लेकर सुनीता की रसोई में जाती है, वहाँ सुनीता भी खाना बना रही होती है। सारा सामान देखकर सुनीता बोलती है, अरे अरे ये क्या है, सारा सामान क्यों ले आई तुम, ये रसोई तुम्हें मैंने किराए पर दी है।
हाँ बहन जी, किराए की रसोई है, तभी तो मैं यहाँ सामान भी ले आई। अब रसोई का सामान रसोई में ही होना चाहिए ना, इसलिए ही तो लेकर आई हूँ मैं। किराए की रसोई ही आपके पिताजी की नहीं, जो सारा सामान लेकर आ गई हो। जिसकी जरूरत है वो सामान लाओ और खाना बनाकर जाओ। खुद की रसोई नहीं है जो जब मन चाह आ गई, ठीक है ना? लेकिन कल ही तो आपसे बात हुई थी और किराए की रसोई के लिए आप मान भी गई थी, तो आज आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? यहाँ सारा सामान मैं आपसे पूछ कर ही तो लाई हूँ ना। नहीं, मैंने बस किराए की रसोई के लिए हाँ बोला था, ये नहीं कि तुम यहाँ किराए की रसोई के नाम पर अपना घर ही बसा रही हो। जाओ यहाँ से, पहले मैं खाना बना लूँगी, फिर तुम खाना बना लेना। और हाँ, खाना बनाने के बाद पूरी रसोई को भी अच्छे से साफ करना है तुम्हें, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन आप थोड़ा जल्दी खाना बना लेना, क्योंकि सूरज को थोड़ा काम है बाहर, इसलिए उसे जाना है। और अब उसे ऐसे भूखे पेट तो भेज नहीं सकती ना, इसलिए। तुम्हारे बोलने से नहीं होगा यहाँ, जब मेरा खाना बन जाएगा तो बता दूंगी मैं, तभी आना। ये तुम्हारी किराए की रसोई है तो तुम इस पर ज्यादा हक मत जताओ। सुनीता की बात ममता को तो बुरी लगती है, लेकिन मजबूरी में ममता को सुनीता की बात से सहमत होना ही पड़ रहा था, और वो सुनीता की बात मान लेती है। जब सुनीता रसोई से बाहर जाती है, उसके बाद ही वहाँ जाकर ममता खाना बनाती है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है, और किराए की रसोई में खाना बनाना ममता के लिए दिन प्रतिदिन और भी मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जल्दबाजी में ममता खाना बनाने के बाद रसोई को बिना साफ किए ही वहाँ से चली जाती है। बाद में जब वहाँ सुनीता आती है और ऐसे बिखरी हुई रसोई देखती है, तो ममता के पास जाती है और बोलती है, ममता तेरी रसोई किराए की थी, लेकिन तुझे पता है ना मैंने तुझे रसोई किराए पर क्यों दी थी? हाँ पता है, आपने मेरे बोलने पर ही मुझे किराए पर रसोई दी थी, लेकिन आप ऐसे अचानक से क्यों पूछ रही हो? क्या हो गया है सभी? हुआ ये है कि तू रसोई को गंदा ही छोड़कर आ गई है। तुझे मैंने बोला था ना, किराए की ही भले, लेकिन रसोई तो तेरी ही है, साफ करना तेरा फर्ज बनता है ना, तो साफ क्यों नहीं किया तूने? अगर आप ये बात मुझे बोल रही हो तो ये बात आपको भी पता होनी चाहिए कि किराए की रसोई ही सही, लेकिन मेरी भी रसोई है ना, तो मैं इसे अभी साफ करूं या थोड़ी देर बाद साफ करूं, इसमें मेरी भी तो मर्जी होगी ना। अच्छा, अब तू मुझे तेवर भी दिखा रही है? ये तेवर तब कहाँ गए थे जब तू मुझे रसोई किराए पर लेने आई थी? तब तो बड़ी मिन्नत कर रही थी कि रसोई किराए पर दे दो, और जब मिल गई तो ठाट भी चाहिए। देखिए, अब ना आपका ज्यादा हो रहा है, मैं रोज ही रसोई को साफ कर देती हूँ, लेकिन आज मुझे कुछ काम था इसलिए मैं नहीं कर पाई, तो आप मुझे इतना क्यों सुना रही हो? आप खुद ही क्यों नहीं कर देती? आपकी भी तो रसोई है ना, तो खुद ही कर लो साफ, अपना टाइम भी बच जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि तुझे किराए पर रसोई देकर मैंने भी कोई बड़ी गलती कर दी, तभी तो देखो किराए की रसोई मिलते ही तेवर भी बदल गए तेरे। तो तेवर मेरे नहीं आपके बदले हैं, किराए की रसोई थी मेरी, लेकिन आप तो ऐसे बर्ताव कर रही थी मेरे साथ जैसे मैं रसोई को साफ करने वाली हूँ, जबकि हम आपको किराए के पैसे भी दे देते हैं। दोनों में काफी देर तक बहस होने लगती है, और धीरे धीरे बात भी आगे बढ़ने लगती है। बात लड़ाई में बदल ही रही होती है कि तभी वहाँ प्रमोद और सूरज आ जाते हैं। दोनों को ऐसे बहस करता देख प्रमोद बोलता है, आप दोनों ऐसे बहस क्यों कर रहे हो? देखिए ना, हमारी ही किराए की रसोई थी और हमें ही सुना रही हैं। हमने किराए पर ली है तो हम पैसे भी तो देते हैं ना, लेकिन ये तो हमारे संग ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे हमें खरीद ही लिया हो इन्होंने। अच्छा, अब रसोई किराए की है तो सुनना भी पड़ेगा ना। पहले तुम्हारे पति ने आकर कमरे की बात बोली थी, और फिर तुम आकर मेरी रसोई को किराए पर लेने की बात बोल रही हो, तो मैं कुछ बोलूं भी ना? ठीक है आंटी, किराए की रसोई थी ना, तो अब हमने अपनी रसोई और घर दोनों ही ले लिया है, तो अब हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। चलो, इतनी सारी परेशानी में एक चीज तो अच्छी ही हुई है, अब हम अपने घर जा रहे हैं। ममता अपने परिवार के साथ अपने घर में रहने के लिए चली जाती है, और इतने दिनों तक किराए की रसोई में खाना बनाना ममता को बहुत भारी पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।